जाते हैं खेत में मना करने के लिए, तब हम लोगों को डरा देता है और पुलिस के द्वारा मार भी मिलता है। और इसियल मैनेजमेंट प्रशासन की मिलीभगत से हम लोगों का जमीन को जबरन कटने का काम कर रहा है। अगर हम लोग उसमें विरोध करते हैं, हम लोगों का जमीन को बचाते हैं, तो हम लोगों के ऊपर केस मुकदमा किया जाता है। हम लोगों के यहाँ इसियल ने जमीन जबरदस्ती और जबरानी से काट रहा है, और हम लोग जाते हैं खेत में मना करने के लिए, तब हम लोगों को डरा देता है और पुलिस के द्वारा मार भी मिलता है। ग्राम सभा हुआ है? हाँ, ग्राम सभा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है। इसियल के साथ आप लोग ग्राम सभा किए हैं? हाँ, इसियल के लोगों के साथ हम लोग ग्राम सभा किए हैं, उन लोग ग्राम सभा में भी सिग्नेचर किया है। क्या ग्राम सभा किए हैं? ग्राम सभा किया है कि आपका जमीन जबरदस्ती नहीं लेंगे। तो फिर क्यों मार रहा है तब? अभी जबरानी से वो अभी चला रहा है गाड़ी। आज हम लोग अनुमंडल कार्यालय के प्रांगण के बगल में हम लोग तलझारी भिरंडा पहाड़पुर बावपुर के ग्रामीण लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे, पर हम लोगों का धरना करने का जो मुख्य उद्देश्य है, हम लोगों का जो हम लोग पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में पढ़ते हैं वारिजोर पर के, यहाँ का जमीन को बचाना, बहुफसली जमीन को। और इसियल मैनेजमेंट प्रशासन की मिलीभगत से हम लोगों का जमीन को जबरन कटने का काम कर रहा है।
खनन क्षेत्र में? खनन क्षेत्र नहीं है, हम लोगों का क्षेत्र है, हम लोगों का जमीन है। वो भी बिना ग्राम सभा किए, बिना सहमति लिए हम लोगों का जमीन इसियल मैनेजमेंट प्रशासन की मिली भगत से जबरन लिया जा रहा है। हाँ, खनन कर रहा है। अगर हम लोग उसमें विरोध करते हैं, हम लोगों का जमीन को बचाते हैं, तो हम लोगों के ऊपर केस मुकदमा किया जाता है। जिस दिन गाड़ी लाया जाता है मैनेजमेंट जमीन काटने के लिए आते हैं, उस दिन 144 हो जाता है। फिर हम लोगों को ना तो एकत्रित होने जा देते हैं, ना हम लोगों का ज़मीन को बचाने के लिए हम लोगों को जो झुंड होता है जो एकत्रित होने का, वो एकत्रित हम लोगों को नहीं होने देता। और उससे पहले भी हम लोगों के साथ जब हम लोग लड़ते आए हैं, तो हम लोगों के साथ किडनैपिंग हो जाता है, किसी को जेल में डाल दिया जाता है। किडनैपिंग कौन करता है? वो मैनेजमेंट का मिली भगत है, क्योंकि हम लोग हमेशा एक ही लड़ाई लड़ते हैं कि ज़मीन को बचाएंगे, अपना बहुफसली ज़मीन को। क्योंकि आदिवासी ऐसा ही है कि जिस तरह पानी मछली, पानी के बगैर मछली रह नहीं सकता है, उसी तरह आदिवासी भी ज़मीन के बिना रह नहीं सकता।